वेलकम टू आयशा कुकिंग वर्ल्ड। आयशा कुकिंग वर्ल्ड में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मसाले वाली पूरी रेसिपी, जो खस्ता तो होंगी ही, साथ ही आप इसको कई दिनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। सुबह के नाश्ते के लिए ये मसाले वाली पूरी बेस्ट रेसिपी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी बनाना। ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें मसाला तैयार कर लेना है। एक छोटी प्याज को टुकड़ों में कट कर लिया है मैंने, और ये कुछ लहसुन के जवे हैं, थोड़ा मोटा वाला जो छिलका होता है ना वो मैंने अलग कर दिया है, और ये हल्का हल्का जो होता है वो मैंने इसी के ऊपर छोड़ दिया है। 4 से 5 हरी मिर्च भी ऐड की है मैंने, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, और ये 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ भी ऐड कर देंगे। बिना पानी के दरदरा ग्राइंड कर लेना है, क्योंकि प्याज से पानी रिलीज होगा तो उसी के साथ ये दरदरा ग्राइंड हो जाएगा, इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको मैंने दरदरा ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें मैंने अदरक ऐड नहीं की थी, तो अदरक भी मैं ऐड कर देती हूँ, फिर से मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। और ये दरदरा सा पूरी वाला मसाला हमारा बनकर तैयार है। इसको हम साइड पर रख देते हैं एक बॉल में निकाल कर। अब यहाँ पर एक बॉल लिया है मैंने, और ये 2 कप आटा लिया है गेहूँ का। गेहूँ का आटा लिया है मैंने, वजन से 400 ग्राम के करीब है ये। 4 टेबलस्पून सूजी भी ऐड कर देनी है। सूजी इसके लिए हमें बारीक वाली ही चाहिए, अगर बारीक सूजी नहीं है तो ग्राइंडिंग जार में डालकर उसको थोड़ा बारीक कर लें। और ये सूजी को भी मैं आटे के साथ ही मिक्स कर लेती हूँ। अब यहाँ पर कुछ मसाले भी ऐड कर लेते हैं। 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और ये 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, और ये हरी मिर्च के साथ जो हमने दरदरा पेस्ट बनाकर रखा था इसको भी ऐड कर देना है। दो टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल भी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। बिना पानी के ऐसे रब करते हुए सभी को मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। ऐसे रब करते हुए इसको मिक्स कर लेना है, हाथ से थोड़ा मसलते जाएंगे इसको और मिक्स करते जाएंगे। आटे को हम इतना तेल के साथ मिक्स करेंगे कि जब हम आटे को इस तरीके से मुट्ठी में ऐसे बांध कर देखें तो ये बंध जाए, बिखरे नहीं, एकदम से जो बिखर जाता है ना वो नहीं बिखरे, और बहुत ज़्यादा गीला गीला भी नहीं होना चाहिए, तो इतना ऑयल हमें इसके अंदर चाहिए। यहाँ पर ये आटे की तो मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो गई है, अब हम इसको पानी के साथ गूंध लेते हैं। थोड़ा पानी ऐड करेंगे और आटे को मसलते हुए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आटे को सॉफ्ट होने तक गूंध लेंगे। ज़्यादा पानी एक ही साथ नहीं डालेंगे इसमें, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और गूंदते जाएंगे। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सख्त आटा नहीं चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट वाला जो आटा होता है ना वो हमें इसके लिए चाहिए। अगर हम पूरी के लिए सख्त आटा तैयार करेंगे तो उससे ना पूरी खस्ता नहीं बनेंगी, टाइट बनेंगी। आटे को गूंदने के बाद 5 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है। हल्का सा ये ऑयल भी मैं लगा रही हूँ इस आटे के ऊपर, ताकि ऊपर की जो लेयर है ना वो ड्राई नहीं हो। आटे को रेस्ट पर रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। ये ऊपर वाली जो लेयर है ना आप देख रहे हैं बिल्कुल ड्राई नहीं हुई है, अगर ऑयल नहीं लगाते तो ये ड्राई हो जाती और क्रैक्स आ जाते। आटे को मसलते हुए फिर से गूंद लेना है, ऐसा करने से आटा शाइनी और स्मूथ तैयार होगा। 3 से 4 मिनट तक आटे को मैंने गूंदा है। अब मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर रफली चॉप हुआ हरा धनिया। धनिया और आटे को 1 मिनट के लिए और गूंद लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको। और ये बिल्कुल सॉफ्ट, इस तरह से हमारा पूरी का आटा तैयार है। आटे को रेस्ट पर छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हैंड टू हैंड हम इसके पेड़े बना लेते हैं और पूरी बना लेते हैं। एक सरफेस को कुछ तेल की ड्रॉप के साथ ग्रीस कर लेना है और आटे को डिवाइड कर लेना है 2-3 पार्ट में। जितना आटा है उसी के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे आटे को। मैंने ये 3 पार्ट में आटे को डिवाइड किया है, और इन दोनों को मैं साइड पर रख देती हूँ। एक मैंने आटा ले लिया है ये बड़ा पेड़ा टाइप का, इसका बनाकर और इसका एक रोल तैयार कर लेना है। अब जितनी बड़ी पूरी हमें बनानी है, बड़ी या छोटी, इतना ही पार्ट हम आटे का लेंगे। तो आटे को हम डिवाइड कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। अब ये आटे के रोल को मैंने 5-6 कट लगा करके डिवाइड कर लिया है। एक पोर्शन उठाएंगे इसका और पेड़ा बना लेना है हमें, और इस तरीके से ये मैंने पेड़ा बना दिया है, इसको हम साइड पर रख देते हैं। सारे ही आटे के इसी तरीके से पेड़े बना लेने हैं। और ये सारी ही पीले हमारी बनकर तैयार हैं। अब ये थोड़ा तेल लिया है मैंने और पेड़ों पर मैं इस तरीके से इसको स्प्रिंकल कर रही हूँ, और थोड़ा चिकने कर लूँगी पेड़ों को, ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं, या इस पर एक जो पपड़ी टाइप की हार्ड वाली आ जाती है ना वो नहीं आएगी। बस एक एक पेड़ ले करके हम पूरी बनानी शुरू करते हैं। पूरी को रोलर की हेल्प से हम रोल करते हुए पूरी बना लेते हैं, जैसे रोटी बनाते हैं छोटी वाली, बिल्कुल वैसी ही इसको हमें बना लेनी है। बहुत ज़्यादा हम इसको मोटी या बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखेंगे,
बस मीडियम साइज़ की हम इसको बेलेंगे। ये पूरी को बनाकर आप 2-3 दिन के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। ये सारी ही पूरियों को मैंने बेल कर एक साइड पर रख दिया है, पूरी फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। अभी यहाँ पर मैंने ये एक कढ़ाई ली है और ये मस्टर्ड ऑयल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सरसों के तेल में ही हम ये मसाले वाली पूरी बनाएंगे। हाई फ्लेम पर ऑयल को मैंने गर्म किया है, टेम्परेचर भी हाई रखा है ऑयल का, और पूरी डालेंगे इसके अंदर और घुमाते हुए थोड़ा हिलाते झुलाते हुए इसको फ्राई कर लेनी है तो पूरी फूलती जाएगी। तेल कुछ ज़्यादा ही हमें इसके लिए चाहिए क्योंकि हम डीप फ्राई करेंगे तो हमें इसके लिए ज़्यादा तेल की ज़रूरत होगी। और ये बहुत अच्छे से हमारी पूरी फूल गई है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं एक प्लेट में। और ये सारी ही पूरियों को मैं इसी तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। एक पूरी तेल के अंदर डिप करेंगे और हल्का सा उसको इस तरीके से घुमाएंगे और जब वो फूल जाएगी तो उसके ऊपर ये तेल को इस तरीके से छिड़कना बहुत ज़रूरी है, इसी से पूरी जो होती है ना वो फूलती है। और बस इसको दोनों साइड से तेल में ऐसे हिलाते झुलाते फ्राई कर लेना है और इसको बाहर निकाल लेंगे। अगर आपको ये पूरी लॉन्ग टाइम स्टोर करनी है तो इसमें कुछ मसाले ऐड नहीं करने हैं, जैसे प्याज है इसमें प्याज ऐड नहीं करनी है, बिना प्याज के आप ये पूरी बनाएं और स्टोर करें। और ये सारी ही पूरी हमारी बनकर तैयार है सर्विंग के लिए। आप ये मसाले वाली पूरी को अचार के साथ भी खा सकते हैं, चटनी के साथ भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। पूरी की जो सब्जी होती है आलू की बहुत सिंपल होती है, वो भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी, तो उसके साथ भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। जैसे चाहें आप इसको इंजॉय करें। ये मसाले वाली पूरी को आप ट्रैवलिंग के लिए भी कैरी कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए भी ये बेस्ट रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।